यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। Is it possible for a particle to describe a curved path if no force acts on it? बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है। Does your answer depend on that? देखो आगे इसका आंसर गलत दे सकते थे तुम, तो उन्होंने खुद तुम्हारे दिमाग में एक और डायमेंशन ऐड कर दिया वर्मा सर ने, कि क्या तुम्हारा आंसर डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। चलो भाई सारी चीजें कर लेते ना, चलो पहले कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अपन न्यूटन के टर्म में बात करें, आइंस्टाइन के टर्म में नहीं, क्योंकि कहानी बदल जाती है आइंस्टाइन के टर्म में ना, क्योंकि जब आइंस्टाइन की दुनिया में बात करते हैं ना, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से है ना, तो ग्रेविटी फिर फोर्स ही नहीं होता ना, ग्रेविटी इज द कर्वेचर इन स्पेस टाइम, तो बहुत सारी कहानी बदल जाती है। तो अपन इसको दो फ्रेम से ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लो है ना, ये कोई भाई ए है ना, और ये कोई बी है ना, ठीक है। तो ये भाई बी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इसके अराउंड, है ना, ठीक है। तो इसका पाथ चेंज कर रहा है ना, इसका पाथ चेंज कर रहा है, पर वो तभी चेंज करेगा जब फोर्स होगा। पाथ चेंज करने के लिए तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, है ना, ठीक है ना। जब भी तुम्हें डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन लगता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये वाली चीज जनरली अपन सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, चलो, है ना। तो इज इट पॉसिबल फॉर ए पार्टिकल टू डिस्क्राइब ए कर्व्ड पाथ इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन ग्राउंड फ्रेम? नो। ग्राउंड फ्रेम में आंसर है नो, यू नीड फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता, पार्टिकल कभी कर्व पाथ में नहीं जा सकता। पार्टिकल अगर फोर्स नहीं लग रहा पार्टिकल पे, तो पार्टिकल स्ट्रेट ही जाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करने को भी जब तुम सेम स्पीड के साथ डायरेक्शन चेंज करते हो तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? नो, है ना। पर अगर हम बात करें, अगर मैं मान लो हम बी की फ्रेम से देखते हैं, है ना, हम मान लो ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ए, है ना, ए ग्राउंड पे रेस्ट पे था, ए और ग्राउंड एक ही फ्रेम है। अगर मैं बी की फ्रेम से ऑब्जर्व करूं, है ना, तो बी की फ्रेम में क्या हो रहा है भाई? बी की फ्रेम में असली, है ना, बी की फ्रेम में ए उसके अराउंड घूम रहा है ना, बी की फ्रेम में क्या हो रहा है? बी की फ्रेम में ए उसके अराउंड घूम रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं बी की फ्रेम से देखूं तो बी की फ्रेम में ए रुका हुआ देखेगा तुम्हें, पर बी की फ्रेम में ए उसके अराउंड चक्कर मार रहा होगा। बी की फ्रेम, क्योंकि हर एक इंसान खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है ना, तो बी की फ्रेम में बी रेस्ट पे और ए उसके अराउंड चक्कर मार रहा है। तो आप तुम कहोगे सर, पर ए पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ए पे तो एक एम जी नॉर्मल कैंसल आउट हो रहे थे, वो तो खड़ा हुआ है, एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है। पर बी भाई, बी घूम रहा है, बी की फ्रेम में है ना, समझो बी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बी कैसी है? तुम्हारी नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? तुम्हारे न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, अनलेस अंटिल तुम एक फिक्टिशियस फोर्स को कंसिडर करो, राइट, एक फिक्टिशियस फोर्स को कंसिडर करो, है ना। तो इसमें अपन बोल सकते हैं अपना एक सूडो फोर्स आएगा जो इसको घुमा रहा है ना, तो जो चीज इसको घुमा रही है वो एक सूडो फोर्स है ना, क्योंकि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में और तुम इस फ्रेम में बैठोगे तो तुम बोल सकते हो आर्टिफिशियल ग्रेविटी या फिर जो भी सूडो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना। जिस बॉडी पे लगाते हैं उसका मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन लिया जाता है, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे पता होने चाहिए ना। तो इस फ्रेम में भी जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके लिए तुम्हें एक फोर्स चाहिए ना। बी की फ्रेम में अगर ए सर्कुलर मोशन करने लगा है, पर तुम कहोगे सर ए के पास तो ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एम जी एन नॉर्मल, इग्नोर करो यार वो वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको इग्नोर करो, है ना, कोई फोर्स ही नहीं है। अरे तो है भाई, एक फिक्टिशियस फोर्स है ना, इसको तो मैंने एक फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है, सूडो फोर्स कहते हैं। अगर ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसको तुम वो भी नाम दे सकते हो, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो। और अगर हम बात करें, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा होता मतलब ग्राउंड फ्रेम में इसकी कुछ वेलोसिटी होती तो एक और फोर्स आ जाता, कोरियोलिस फोर्स, राइट, जो जनरली सिर्फ जेई एडवांस और इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए हमको पढ़ना होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं पढ़ना होता उसे, है ना। चलो अच्छी बात है, बढ़ते आगे ना।